कोरोना से मौत पर WHO के आंकड़ों से बवाल। IAS अधिकारी के ठिकानों पर छापे। फिर बाहर आएगा CAA का जिन। कश्मीर में बिछेगी चुनावी बिसात। पंजाब में फिर आतंकवाद की आहट। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। भारत के दूसरे सबसे गरीब राज्य में से एक सीनियर महिला IAS अधिकारी के यहाँ छापे की कार्रवाई में इतने नोट बरामद हुए कि गिनने में ED टीम के हाथ दुखने लगे। इसके बाद 500-500 की गड्डियों को गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। दरअसल झारखंड की खान सचिव पूजा सिंगल, उनके पति अभिषेक झा से जुड़े दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 19.31 करोड़ कैश मिले हैं, जबकि करीब 150 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि पूजा पहले से ही ईडी के रडार पर थी। पूरी तैयारी के साथ छापे की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से एक सवाल तो उठता ही है कि देश भर में ऐसे कितने अधिकारी होंगे जो अवैध रूप से कमाई गई करोड़ों रुपए की संपत्ति को दबाए बैठे हैं। पूजा सिंगल तो एक उदाहरण मात्र है। क्यों इस तरह धन कुबेर कहीं ना कहीं जनता की गाड़ी कमाई को ही गलत तरीके से अपनी एंटी में दबा लेते हैं। चौथी लहर की आशंकाओं के बीच भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। इस समय देश में रोज 3000 के लगभग मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ही 1500 के करीब मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। इस बीच WHO ने यह कहकर बवाल खड़ा कर दिया है कि भारत में कोरोना से महामारी से मरने वालों की संख्या 47,40,894 है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने इस आंकड़े को गंभीर बताते हुए कहा कि इससे देशों को भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। हालांकि भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों पर यह कहकर आपत्ति जताई है कि इस्तेमाल किए गए गणितीय मॉडल और डेटा संग्रह की कार्यप्रणाली संदिग्ध है। दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 47 लाख भारतीय नागरिकों की मौत COVID-19 महामारी से हुई, जबकि सरकार की ओर से 4.8 लाख लोगों की मौत का दावा किया गया है। विज्ञान झूठ नहीं बोलता, मोदी बोलते हैं। वहीं भोपाल एम्स के पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर सरमन सिंह ने वेब दुनिया को बताया कि कोरोना की चौथी लहर में केस की संख्या तो तेजी से बढ़ेगी, लेकिन संक्रमितों में लक्षण बहुत ही माइल्ड रहेंगे। हल्के लक्षणों के कारण मरीजों को अस्पतालों में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि चौथी लहर को लेकर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर कोरोना की जन्मस्थली चीन में कोरोना को लेकर हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन में कोविड के बढ़ते मामलों के कारण हंगाजो एशिया खेल स्थगित कर दिए गए। वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुले तौर पर तानाशाही पर उतर आए हैं। जिनपिंग ने चीन की बेहद क्रूर जीरो कोविड नीति के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। दरअसल देश के कई शहरों में बेहद सख्त लॉकडाउन लगाए जाने से जनता में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। चीन के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन भी हुए हैं। दूसरी ओर जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और इटली में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं अमेरिका में वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद लग रहा है कि CAA का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ सकता है। शाह ने बंगाल में कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA जल्द ही देश में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना समाप्त होने के बाद इस कानून को देश में लागू कर दिया जाएगा। शाह ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहती है कि घुसपैठ जारी रहे, लेकिन CAA वास्तविकता था और रहेगा। वहीं ममता ने पलटवार करते हुए अमित शाह को आग से न खेलने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि CAA रद्द हो गया है। दरअसल 2019 में देश में CAA कानून तो बन गया, लेकिन देश भर में इसका जमकर विरोध हुआ और इसे लागू नहीं किया जा सका। साल 2019 के आखिर में CAA को लेकर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में आंदोलन शुरू हुआ, जिसका केंद्र दिल्ली का शाहीन बाग बन गया।
24 मार्च 2020 को सीएए एनआरसी के विरोध में आंदोलन शाहीनबाग की सड़क से उठा था, जो देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। देश के तमाम शहरों में शाहीनबाग की तर्ज पर महिलाएं और बच्चे भी सड़कों पर उतरकर धरना दे रहे थे। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते शाहीनबाग में चलने वाला आंदोलन साल 2020 में खत्म हो गया। यदि सरकार सीएए को फिर लागू करने का प्रयास करती है तो हो सकता है कि एक बार फिर शाहीनबाग को दोहराया जाए, क्योंकि किसान आंदोलन ने इस तरह के आंदोलनकारियों की हिम्मत को और बढ़ा दिया है। चुनाव परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद अब अटकलें लगाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब 5 लोकसभा और 19 विधानसभा सीटें होंगी। पहले यह संख्या 83 थी। जम्मू क्षेत्र में 6 सीटें बढ़ाई गई है, जबकि घाटी में एक अतिरिक्त सीट का प्रस्ताव रहेगा। इस बार चुनाव में पहली बार एससी और एसटी के साथ कश्मीरी पंडितों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके मुताबिक 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित रखे जाने का प्रस्ताव है। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 7 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित रखे जाने का प्रस्ताव है। यह परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है। जिस तरह से परिसीमन की रिपोर्ट सामने आई है, उससे आगामी चुनाव में जम्मू कश्मीर में बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हरियाणा के करनाल में बब्बर खालसा से जुड़े 4 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में एक बार फिर आतंकवाद की आहट सुनाई देने लगी है। ये 4 संदिग्ध विस्फोटकों और हथियारों के साथ तेलंगाना जा रहे थे। पुलिस ने इनसे जुड़े 2 और लोगों को पकड़ा है। इस घटना के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। फिरोजपुर के एसएसपी चरणजीत सिंह की माने तो इन 4 संदिग्धों में से एक गुरप्रीत सिंह पहले से ही पाकिस्तान स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के संपर्क में था। रिंदा ने ड्रोन के माध्यम से हथियार भारतीय सीमा में भेजे थे। आरोपियों ने पाकिस्तान की आईएसआई और खालिस्तान समर्थक आतंकवादी समूहों से कई खेप सामग्री प्राप्त की है। अब खबरें संक्षेप में। राजद्रोह मामले में हिरासत में लिए गए राणा दंपत्ति नवनीत और रवि राणा को मिली जमानत। श्रीलंका में फिर बिगड़े हालात, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने की आपातकाल की घोषणा। भाजपा नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के बाद बवाल, दिल्ली पंजाब और हरियाणा पुलिस आमने सामने। जोधपुर के बाद राजस्थान के दूसरे शहर भिलवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।